अगर आप भी 84 कोसी परिक्रमा में आकर पुण्य कमाना चाहते हैं तो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। स्थान का नाम है जनपद हरदोई की तहसील बेनीगंज और कुर्सी पर बैठे नंगे बदन व्यक्ति का नाम है बेताल सिंह। ग्वालियर मध्य प्रदेश से 84 कोसी परिक्रमा में ही पुण्य कमाने के लिए आए थे। लेकिन अब आप यह सोच रहे होंगे कि इस श्रद्धालु को यहाँ बेनीगंज की परिक्रमा करने की क्या आवश्यकता पड़ गई। यह तहसील आने का कारण जानने के लिए खबर को ध्यान से देखना होगा। 84 कोसी परिक्रमा पर सबसे बड़ी कवरेज करने वाला भारत 24x7 लाइव पिछले दिन ही यात्रियों के साथ हुई चोरी को प्रमुखता से दिखाया था। अब आप समझ ही चुके होंगे बेताब सिंह के साथ भी वही हुआ। बेताब सिंह स्नान करने जा रहे थे तभी 3 चोर आए और उन्होंने कुछ पैसे डाल दिए और बेताब सिंह से उनके पैसे गिरे होने का संकेत किया। बस इतने में ही पलक झपकते चोर गायब, लेकिन उनमें से एक सातिर पकड़ा गया। पकड़ा गया अपराधी हरदोई का है। इसने अपने 2 साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम देने की बात भी स्वीकार ली। पहले की भीड़ चोर को मारपीट ही रही थी तब तक भारत 24x7 लाइव की टीम पहुंची और उसने कैमरे के सामने चोर को न मारने की अपील की तथा वीडियो में रिकॉर्ड होने की बात कही। इस तरह से उस चोर की जान बची। इस घटना के बाद में पुलिस क्या एक्शन लेगी, संत समाज क्या निर्णय लेगा, अमावस्या से होली तक चलने वाले 15 दिवसीय 84 कोसी परिक्रमा में इस तरह की घटनाओं ने प्रदेश के शासन प्रशासन की तैयारियों की पोल खोल दी है तथा अंतर्राज्यीय बेइज्जती भी हो रही है। 24x7 लाइव हमें इस वक्त है 84 कोसी परिक्रमा में। पहले पड़ाव से ही चोरी की घटनाएं शामिल होती थी, लेकिन जैसे ही यह परिक्रमा हरदोई जिले में एंटर हुआ तब से ये घटनाएं और तेजी से बढ़ गई। अभी तात्कालिक रिपोर्ट यह है कि 3 चोरों ने चोरी को अंजाम दिया जिसमें से एक रंगे हाथों पकड़ा गया। परिक्रमार्थियों तथा साधु संतों ने विरोध किया, रोड जाम किया। उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंचा और दोनों को, पीड़ित तथा चोर को, लेकर के थाने को जा रही है। यहाँ पर परिक्रमार्थियों का, श्रद्धालुओं का सीधा आरोप है कि इसमें पुलिस मिली हुई है, इसलिए उनके पीछे पीछे अन्य साधु संत भी गए हैं और बहुत बड़ा विरोध हो रहा है। सीधे सवाल योगी आदित्यनाथ की सरकार पे अभी उठे हैं। पुलिस प्रशासन को आड़े हाथों लिया गया है। देखते रहिए भारत 24x7 लाइव। इजाजत है आपको जाने की, सारे काम की आप ही सहायता करेंगे हमारे साथ। या तो न्याय दो हमको या मेरा बंद करवा दो, दोनों से ये करवा दो। हमारी लूट हो गई है, मेरे भाई के 5000 रुपए का बैग जबरदस्ती छुड़ा के ले गए। हमारा पैसा वापस करवाया जाए जब तक जाते नहीं जाएंगे। अपना नाम और पता बताइए पूरा। बोल। नवल किशोर। गांव का नाम? पिता का नाम? अरुण कुमार। कहाँ रहते हो? ठकैनी जी। ठकैनी कहाँ पड़ता है? सांडी रोड। सांडी रोड? सांडी रोड। सांडी रोड ठकैनी जिला हरदोई। तुम्हारे साथ में कौन कौन है? अकेले है। अकेले? बोल भाई, गांव से एकदम अकेले तो नहीं आए हो गया? हाँ, 2-3 और लोग हैं। 2-3 लोगों का फोन मिला, उनको यहीं बुलाओ। क्या फोन मिला? पुलिस कहाँ है? अभी आ गई ना। फोन कहाँ है? फोन पे आज मैं निकाल निकाल जेमे फोन निकाल रही है। मिला के मिला मेरे साथी का नंबर डालने वाला मिला। खाना पीना नहीं है? क्या नंबर मिला? क्या नंबर मिला? इसमें जो 2-3 लोग हैं आपके, उनको निकाल लीजिए। नाम बता क्या है? अरे जय संघ को ले गो, मेरे हाथ में दे जी तो मेरी पकड़ में आएगा। अभी तो पकड़ में आप ये देखो छोटी कालाई हुई है। ये लगा भाई, ये मिला, जो मैंने पकड़ लो फिर भी नहीं मिला। बिने लिखा भी नहीं भैया, ये बता दो यार क्यों परेशान हो इतनी देर से? खुद परेशान हो दूसरे पर पैसा क्यों नहीं दे रहे हो? क्या बताए हो? क्या लेने गए? पैसा कितना लिया था तुमने? हमने नहीं बताया ना। क्यों तुमको पकड़ा आखिर? हमको नहीं पकड़ लिए? तो जो तुम्हारे साथ में थे वो ये काम करते हैं, तुम नहीं करते हो ना? वही करते हैं कि नहीं? वो लोग करते हैं? कौन कौन नाम है? बिना करते हैं ये काम? वो कैसे काम करते हैं? ये किस तरीके से करते हैं? पैसा डाल करके? मतलब वो तुम्हारे मतलब मित्र हैं? मित्र हैं, तुम नहीं करते हो ना? ये इनको कुछ रहा है, कोई पर्स लेके भाग रहा है, कोई कुछ लेके भाग रहा है। सारे संत मिल करके मीटिंग करेंगे,
और मीटिंग करने के बाद इसका फैसला करेंगे। और यही अगर स्थिति बनी रही तो अगले साल से ये मेला ही बंद कर देंगे, हम नहीं आएंगे ऐसे में, यहाँ हगुड़ा लोग रहते हैं। बाबा जी, ये स्थिति कहाँ से ज्यादा बनी है, पहले पड़ाव से बनी है या बाद में हुई है? प्रथम पड़ाव कोरोना में जहाँ लोग दर्शन करने गए वहाँ औरतों के कुंडल खींच लिए गए, खुद नोचा गया, हमारी बहन का भाई कुंडल नोच लिए गए, और इसके बाद जहाँ भी जाते हैं कोई जेब काट लेता है, कोई पर्स लेकर के भागता है, यहाँ हगुड़ा लोग रहते हैं क्या? ये हरदोई सीतापुर के लोगों को डूब मरने की मेरे भाई बेताल सिंह। बाबा जी, आप कहाँ से हैं, आपका परिचय? मैं तो फरुखाबाद से हूँ। अच्छा, कितने सालों से आते रहे? लगातार पुलिस और नहीं प्रशासन को फोन किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन भी इसमें सहयोग नहीं कर रहा है। हम तो ये देख रहे हैं, अब हम धार्मिक आचरण भी करते हैं वो भी पुलिस के साय में करेंगे, हम पूजा पाठ करेंगे वो भी पुलिस के साय में करेंगे, कि पुलिस अगर नहीं है तो हम पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। बाबा जी, कितने सालों से आप यहाँ पर आ रहे थे? मैं इस बार पहली बार आया हूँ और ऐसी स्थिति खराब देख रहा हूँ कि ऐसे में हमारी हालत इतनी खराब हो रही है कि ये हम परिक्रमा करने आए हैं, हम तो पूजा पाठ करने आए हैं, और हमारे साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? अच्छा, पहले दिन जब घटना हुई थी आपने पुलिस विभाग से क्या कोई अभी संपर्क किया था कि नहीं किया था? उसको पकड़ा गया था, पुलिस उसको लेकर के गई थी, फिर पुलिस ने क्या किया, ये हम लोग पीछे थोड़े घूमते हैं। और ये घटना लगातार हो भी रही है? आगे लगातार हो रही है, आगे और आगे होंगी। कल एक मध्य प्रदेश का उनका था और उनके पास से करीब 1,00,000 रुपए 6 लोगों का गायब हुआ है, और इस पे भी जो है अभी तक कोई मामला नहीं आया। नहीं, ये हम मुख्यमंत्री योगी जी से भी बात करेंगे जी, और योगी आदित्यनाथ से भी हम बात करेंगे, क्योंकि हम भी संत समिति के सदस्य हैं, वो भी संत समिति के सदस्य हैं, और ये बात करेंगे। हम तो धार्मिक आचरण करने आए हैं, हम लोगों को लूटा जा रहा है, ये कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। करीब 1.5 घंटा हो गया, अभी तक पुलिस नहीं पहुंची है इस मामले में जो पकड़ा। इस मामले में दरअसल ये मेला तो ये संतों का है जी, और ये संतों के ही सुपुर्द है जी, और हम संत समिति से ही आग्रह करेंगे कि इस मामले में मीटिंग करें, और मीटिंग करने के बाद इसका समाधान करें, पुलिस प्रशासन की मदद लेनी हो इसके लिए, और पुलिस क्या कर रही है इसके बारे में मैं तो पहली बार आया हूँ। बाबा जी, क्या किसी संत ने जो मेला अध्यक्ष जी हैं बनगढ़ वहाँ से पहला आश्रम से, क्या अभी उनसे बात हुई है कि ऐसा हो रहा है? अभी उनसे कोई बात नहीं हुई जी जी, अब उनसे बात की जाएगी, सभी से बात की जाएगी, हम लोग यहाँ लूटने के लिए नहीं आए हैं। चलिए, हमारे साथ में आई हुई जनता जितने हैं ये सब पैदल यात्रा करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, ऋषियों का परिक्रमा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कहां कहां से क्या क्या छोड़ करके आए हैं, कितना दूर दूर तक पैदल चल करके हम लोग तपस्या करते हैं, और यहां के दुष्ट लोग हमको लूट लेते हैं, माताओं बहनों का चाहते हम लोगों का काम पूजा पाठ करना है, हम लोगों का काम ये नहीं करना है। दंड देने वाले जो हैं वो स्वयं यहाँ मौजूद हों और दंड दें उनको, और ऐसा दंड दें कि दोबारा ये कार्य ऐसा न करें, क्योंकि समझाने से इनकी समझ में नहीं आएगा। दंतों के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई इस संबंध में? अभी हमें पता चला है, हम तो बाहर गए। जो उनको मोबाइल नंबर आपका, हाँ मोबाइल नंबर है ये, क्या हुआ था पूरी घटना बताइए। पहले पड़ाव भरी, आज हम लोग स्नान कर रहे थे, हमारा पेंट गया, उसमें पैसे थे, उनका पेंट गया, उसमें मोबाइल भी था, पैसे भी थे, 4-5 हज़ार। अरे कौन ले गया, कैसे ले गया, आपको पैसे डालते, 2-3 लड़के थे लगभग, उन्होंने उम्र 10-10 रुपए फेंक दिए थे, दो लोग बैठे थे, रखा रखवाली कर रहे थे, हम लोग नहाने बुलाए, पैसे डाल दिए थे दोनों, कहा भैया ये रुपया तुम्हारे गिर गए, इधर निगाह की दोनों गायब, नाग लौटे पेंट आप कहाँ रहते हैं? हम रहने वाले हरपाल ग्रुप के जौनपुर, मतलब सीतापुर जिला, दो जिला के ही रहने वाले। अच्छा अच्छा, आपने उस समय क्या पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी थी? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, मोबाइल था वो इनका, चला भी गया था, मोबाइल चला गया था। क्या घटना हुई आपके साथ? हम घर ना आ रहे ना, तुम्हें ये कुछ ना हमारो कपड़ा रखा है ठाड़ो, बाके आंगे तो ना हम हेडपम्प चलाने लगे, बाके आंगे 10 रुपया फेंक दे, कहीं जैसे पैसा गिर गए। मतलब 10 रुपये किसने फेंके? बिल नहीं फेंके, जो पकड़ा गया है जिन नहीं फेंके, कौन से नहीं फेंके, 3 है जी, 10 रुपये फेंके, फिर क्या हुआ?
बाबा तेरा रुपया गिर गए जो उठा ले वो पिता को ढूंढो इसी कम उठाएगा बच पर आप पैसा जो गिरे थे वो खाने लगे थे नहीं उठाए ना नहीं ढूंढे हैं वो इतने में तो दो तीन दिन से उठाएगा बच पर क्या क्या गया आपका क्या मेरे कुर्ता का वो कुर्ता हाँ और कुर्ता का हुआ मैंने नहाए भावना ने वहाँ में कई साल अरे भाई में हो जो कट गया तो अच्छा इस लड़के को किसने पकड़ा लड़के को हमारे संग वाले ने सही हमने पकड़ लिया पकड़ लिया अच्छा तो अभी लड़का क्या कह रहा है मेरे बागे संग के अच्छा नाम बता रहे हो ना गांव बता रहे हो अच्छा अच्छा तो ये इसने जो कबूलनामा किया है कि हमने हमने पैसे लिए जो कई संग को ले तेरा किस संग के लिए हाँ आपका कितना सामान था 10,000 रुपया है 10,000 रुपये हाँ और फिर मैं तो उठ गए होंगे 100 खान हाँ हाँ और का नाम है और तो भाई मैं तरह हैं अब क्या चाहते हैं हम कैसे जाएं कहाँ करें परवर्ष भी जाए हमारी आपका निवास कहाँ पड़ता है ग्वालियर मध्य प्रदेश ग्वालियर से हाँ पहली बार आए थे परिक्रमा की पहली बार आए थे कभी जीवन में इतने सालों में आपके साथ ऐसी घटना हुई थी नहीं भाई अभी नहीं नहीं तीर्थ स्थान जाते हैं कि नहीं जाते हैं वैसे जाते थे कि नहीं हाँ हाँ जाते थे कभी ऐसा नहीं सोचा था आने से पहले कभी सुना था कि वहाँ पर ऐसा हो जाता है क्या अब जी हमें कहा पता हो कहा है वो तो कहा ना है वो तो बहुत ज्यादा हम वहाँ पे हैं ना वो चियारी से जा रहे हैं हाँ लोग साथ में देखे हुए हमारे साथ में चले हम तो सीधे साठे आदमी हैं भाई मेरा नाम केदार सिंह है कहाँ से हैं गुर्जर केदार सिंह गुर्जर नाम है मेरा और मैं जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ मैं बार बार कई बार मैं अपने परिवार के साथ तीर्थों में जाता हूँ मेरे साथ ऐसा अन्याय कहीं नहीं हुआ मैं तो धार्मिक रूप से यहाँ आया था मैंने सुना था कि यूपी बहुत अच्छा है और वहाँ धार्मिक स्थान है इसलिए मैं आया था परिक्रमा करने पर यहाँ मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं घर भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ मेरे बड़े भाई वेतान सिंह के 10,000 रुपये कुर्ते में रखे थे उनको चकमा देखे और चोरों ने उसको उठा लिया जब उनकी नजर पड़ी तो वो भागे तो 3 चोर थे वो भाग गए एक को उसने पकड़ लिया तो वो भाग गए वो 10,000 रुपये कुर्ता लेके भाग गए अब आप बताएं मैं क्या करूं मैं कैसे पहुंचूं अपने घर अच्छा पुलिस विभाग क्या कह रहा है पुलिस विभाग अभी कुछ नहीं कह रहा है केवल हम तमाम देर बहुत देर होने पर प्रशासन पहुंचा मेरे पास तो प्रशासन नहीं पहुंचता है तो मैं तो जहाँ जहाँ संतों से और मेरे हाथ में क्या है बड़े बड़े संतों से मिलूंगा मैं जरूर कहूंगा कि भाई तुम कायदे परिक्रमा शुरू करते हो यूपी नहीं चाहती है तो परिक्रमा को बंद कर दो क्यों मरवा रहे हो ये संत आते हैं इसलिए हम आते हैं हम ग्रस्त हैं अगर यहाँ लुट रहे हैं पिट रहे हैं तो हमको क्यों बुलाते हो यहाँ और मैं तो योगी जी से भी कहना चाहता हूँ कि तुम मुख्यमंत्री किस रूप से आप तो कहते थे कि चोरों से लुटों से मुक्त कराऊंगा यूपी को कहा हुआ है मुक्त हमने सुना था कि मुक्त हो गया नहीं नहीं आते हम हमारे साथ न्याय किया जाए हमारे ऐसा नहीं चाहते मुकदमा चलते रहे हम मध्य प्रदेश से तारीख करने जाए और घर से आवे हम नहीं आएंगे तारीख करने या तो हमारे संग अन्याय उसका फुल प्रशासन किसी तरीके से हमारा मुद्दा सुन जाए दे हमको पैसे दिलवा दे हम चले जाए और जे चाहे कि कोरा मुकदमा चले तो मैं क्या तारीफ करूंगा ग्वालियर से ग्वालियर से यहाँ ना मुश्किल होगा मेरा तो मुश्किल होगा मैं किसान आदमी हूँ गरीब परिवार से हूँ इतना बड़ा लोग नहीं हूँ कि मैं चातरा खर्चा कर लूँ मेरी बात सुनिए अगर यहाँ प्रशासन कुछ नहीं करता है तो हम आगे ऑब्जेक्शन उठाएंगे आप संत हैं कहाँ से मैं वहीं से हूँ अच्छा कोई आपका आश्रम अखाड़ा कुछ हाँ वही है मेरा गुजर आश्रम है देवनारायण का मंदिर हाँ। ग्राम रिपुआपुरा जी अच्छा जो ये बंदे हैं हाँ। वहीं गांव में मंदिर है अच्छा तो मैं वहीं से आया अच्छा अच्छा क्या अभी आपसे इस संबंध में अभी तो किसी से वार्ता हुई यहाँ स्थानीय नहीं हमारे किसी से अभी बात नहीं हुई अच्छा अच्छा तो बात उठाएंगे ही हाँ चलिए बात करना आपके सामने मेरी दो बार मैंने कहा है कि एसपी साहब को फोन लगाया एसपी साहब ने फोन अटेंड नहीं किया है हाँ फिर तो कम से कम 1 घंटे बाद यहाँ का थाना गया है हाँ